الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الأقربين وجميع أصفيائه وأوليائه وأمته الأجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمنت باللہ الحمدللہ مبارک بات سب لوگوں کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح یہ سال بھی ہم اور آپ اس عظیم ماہ مبارک رمضان المبارک کو پایا ان کی راتوں کو پایا اور اسی ماہ مبارک کے روزوں کو پایا اور اب تا راتوں کے جاگنے سننے اور عبادت گزار کر اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی امید سے جمع ہوئے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمہاری امید کو پورا فرمائے آمین. تقریریں بیانات ہمیشہ سے مساجدوں میں خطابت میں اماموں کی زبانی مولویوں کی زبانی مفتیوں کی زبانی احکام شرع قانون شرع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودادوں کو جمعہ میں بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمہیں اور بھی سننے کا ذوق و شوق پیدا فرمائے.
जिन मसाइल में नमाज के, रोज़ों के, हज के, ज़कात के, इमदाद के, भाईचारगी के या निकाह व तलाक के मुख्तलिफ उनवानात पर खतीब हज़रात आप लोगों के सामने अपनी खिताबत को रखते हैं, तकरीरों में सुनाते हैं, सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते हैं कि नहीं, तो चलिए मैं ये भी कहूँगा कि इन तमाम अहकाम को सुनने के बाद जिसका जो माहसल निकलता है वो अपने मुकद्दर पे होता है, जो माहसल निकलता है वो अपने मुकद्दर पे होता है। कोई सुनकर अमल करते हैं, कोई सुनकर वहीं पर छोड़ देते हैं, कोई बाहर जाकर छोड़ देते हैं, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, मगर सुनाना तो इन हजरात का काम है, सुनाते हैं। फजीलतें बयान होती हैं, दर्जात किन किन अमलों से बुलंद होते हैं सुनाए जाते हैं, आज़मतें बयान होती हैं, बरकतें और रहमतों का नुज़ूल कहाँ, किस पर, किन मकामों पर, किन इबादतों पर, किस किन अमलों पर होता है, ये आप लोगों को सुनाते हैं और हम सुनते हुए आ रहे हैं और हमने एक दस्तूर बना लिया है, खिताबत करने वाले खिताबत करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, बाज़ उगने वाले उगते हैं, सोने वाले सोते हैं, मगर इन खिताबतों की वजह से सुबह में अमल पाया नहीं जाता। अगर एक दो भी अमल कर लेना तो उनकी निस्बतन सारा माहौल सुधरने का इम्कान होता है। समझ गए ना आप? अब मैं रोज़े, नमाज, हज, ज़कात इन अहकामों को नहीं सुनाऊंगा, और ये भी मत पूछना कि साहब ताखरात का बयान है, हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में आया है कि लैलतुल कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अश्र में तलाश करो। बेशक अगर कोई कहे कि उसकी फजीलत बयान करो तो हम फजीलतें उसकी सुनते हुए आ रहे हैं, कई रमज़ान पाए, कई रातें पाई, कई फजीलतें सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। बेशक हमारे नबी ने फरमाया कि तलाश करो, तलाश करो, और निशानियां भी बताई कि लैलतुल कदर किस रात में है, उसकी निशानियां भी बताई कि रिम झिम की बारिश हो, छत से पानी गिरता हो, ज़मीन मिट्टी की हो, तख्ते बिछे हुए हो, जहाँ सजदा करे तो उस ज़मीन की मिट्टी पिशानी पर जिस रात लग गई हो, फरमाते हैं यही लैलतुल कदर है। समझ में आ रही बात आपको? यही क्या है? लैलतुल कदर है, कब्र वाली रात है। आप मुफस्सिरों से पूछिए, अइमा से पूछें, मुहद्दिसों से पूछें कि लैलतुल कदर कब है। कोई कहते हैं साल में एक बार आएगी, कोई कहते हैं महीने में एक बार आएगी, कोई कहते हैं कि हफ्ते में एक बार आएगी, कोई कहते हैं 10 साल में एक बार आएगी, कोई कहते हैं सदी में एक बार आएगी। सुन रहे हैं ना आप? समझ में आ रही मेरी बात? मेरे नबी ने फरमाया तलाश करो, तलाश करो, ढूंढने से पता चलता है, ढूंढने का शौक रखो। मेरे नबी के फरमान का मकसद यह है कि उम्मत मुस्तफ़ा उस शौक और ज़ौक में लगी रहे, उस रात की इबादत के लिए रातों को तलाश करती रहे,
इस तरह कि कोई अनमोल चीज खो जाती है, उसके खो जाने से जैसा तलाश करने पर लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं, ये अनमोल एक ऐसा तोहफा है, इसको भी उसी तरह तलाश कर। अब हम पांच रातें हैं जिसको नबी ने फरमाया ताक रातें, मदीने में जिक्र बड़ा हो चाहिए, मदीने में सब बैठे पांच रातें, मगर मेरे रब ने नहीं फरमाया कि पांच रातें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दस रातें, हमारे नबी फरमाते हैं पांच रातें। हमारा ईमान है जो रब ने फरमाया दस रातें भी सही है, मेरे नबी फरमाते हैं सही पांच रातें भी है। अब उम्मते मुस्तफ़ा के ईमान का जज्बा, उसका शौक और ज़ौक है कि वो दस रातों में तलाश करे या पांच रातों में तलाश करे या साल भर की रातों में तलाश करे या महीने भर की रातों में तलाश करे, ये उसका ईमान है। समझ में आ रही बात? दस रातें, वल फज्र, वलियाली नश, कसम है सुबह की, वक्त सुबह की, ये अल्लाह फरमाता है, और कसम है दस रातों की। मैं समझता हूं साल में सिर्फ दस रातें ही है ना, साल के दस रातें ही है ना, या महीने के दस रातें होते हैं? दस रातें, ना महीना ना साल, अल्लाह तबारक व तआला नहीं बताया ना महीना ना साल, सिर्फ दस रातें। मुफस्सिरीन लिखते हैं इन दस रातों में जैसे हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच रातें, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अश्र में होती है, इन पांच ताक रातें। ताक, ताक का माना है बराबर तकसीम ना हो, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। जो बराबर तकसीम ना हो उसको ताक कहते हैं, जो बराबर तकसीम होती है उसको जुफ्ती कहते हैं ताक, क्योंकि ताक अदब जो है ना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। पांच रातें अगर निकाल दी गई तो दस में से कितने बचे? पांच ही बचे। अब ये पांच रातें शबे जुमा की रात है, कौन सी रात है? शबे जुमा की रात है। शायद मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये लैलतुल कदर हो, मैं मुहद्दिसों का कौल बयान करूं, फतहुल बारी शरह बुखारी का कौल है, बड़े बड़े मुहद्दिसों का कौल है, शबे जुमा शायद हो सकता है लैलतुल कदर, यौम नहर की रात शायद हो सकता है, सुबह को ईद ईद उल फितर की पहली शब हो सकता है, यौम आशूरा की रात, मुहर्रम उल हराम की तारीख जो यौम आशूरा आती वो रात हो सकता है, फिर वो रात हो सकती है। बाज आशिकों ने, बाज सूफियों ने यह हिसाब लगाया, जब खुदा ने पहले वक्त सुबह की कसम खाया फिर दस रातों की कसम खाई तो नौ रातें इस तरह गिना करो, मगर एक रात वो होगी जिस रात वक्त सुबह हमारे तुम्हारे नबी दो आलम दुनिया में तशरीफ लाए, शायद वो रात सब सारे आलम कायनात के लिए लैलतुल कदर की रात होगी। बताने वाले नहीं बताते, क्योंकि वक्त सुबह की कसम वो सुबह कितनी मुकद्दर की सुबह होगी,
उस सुबह का कितना बड़ा मुकद्दर होगा। ऐसी सुबह कभी नहीं सुबह कयामत तक नहीं आई होगी, क्योंकि उस सुबह की कसम रब्बे कायनात खाता है। और साथ ही रातों का जिक्र है, रात जाती रहे सुबह की पो फटती रहे, दोनों का मिलन होता रहे और कायनात की तकदीर बदलती रहे, काया बदलता रहे, मुसलमानों की तकदीर खुलती रहे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आसमान वालों की तकदीर, फरिश्तों की तकदीर, हूरों मलाइकों की तकदीर, जमीन वालों की जर्रा जर्रा चुप्पा चुप्पा। इसीलिए तो अल्लाह ने नबी को अकेले तने तनहा दुनिया में मबऊस नहीं फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन सारे आलमों पे रहमत का ताज पहना कर मबऊस फरमाया। अगर कोई तिनका दाना भी है तो वह रहमत से वाबस्ता है, जिस पर रहमत नहीं है वो दुनिया में है ही नहीं। आज समझ में आ रही है आपको, शायद हो सकता है अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, कौन सी लैलतुल क़द्र है। मगर हमारे नबी का फरमान, पांच रातों में तलाश करो, ये पहली रात है, आखिरी अशरे की ये पहली ताखरातें किस भी हैं, क्योंकि हमारे में रात पहले आती है दिन बाद में, हमारा हिसाब पहले रात से होता है दिन बाद में, ये पहली रात है। शायद हो सकता है मिल जाए, तकदीर जग जाए, नसीब खुल जाएगी, क्योंकि उस एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, हज़ार महीनों के बराबर। क़ुरबान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम है ये। ऐसे कौन से आमाल हैं हमारे, ऐसी कौन सी इबादतें हैं वही टूटी फूटी वसवसे वाली, वहमो गुमान वाली, कीना बुग्ज़ अदावत वाली, झूठ वाली, धोखेबाज वाली, दिखावे वाली, यही तो हमारे आमाल हैं। करते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं, करते कम हैं दिखाते ज्यादा, यही तो इबादतें हैं। मगर उस पाप परवरदिगार आलम की मेहरबानी देखिए, ना हमारे लिबासों को ना हमारे इबादतें हबीब के उम्मती है, सदका है उस महबूब ताजदार मदीने का, जिनके तसद्दुक अल्लाह तबारक व तआला उस रात को नाजिल फरमाया। रमजान तो पहले भी था हजरत, और रोजे पहले भी थे, रोजे में कोई खास हमारे लिए ही नहीं दिया गया, लाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, पहले के लोगों को भी दिया रोजे, हमको भी दिया, कोई फर्क नहीं है, उसे सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा के लिए खास। यहूदियों में एक एक हजार साल इबादत गुजार, किसी के हजार बेटे, सब के सब अल्लाह की राह में शहीद, एक हजार साल के आप भी तो जाहिद, मगर हमारी उम्र कहने को तो सौ साल है, गारंटी किसी को सौ साल की? कोरोना आया कितने निकल गए, बच्चे भी मरते, जवाना भी मरते, बूढ़े भी मरते, ये मत समझो सिर्फ बूढ़े से मरते, मौत के लिए जवानी बचपना बुढ़ापा कोई रोक नहीं सकता, वक्त आ गया सब को सब निकल जाए। समझ में आ रही ना बात आपको? मगर एक रात खास ऐसी उम्मत मुस्तफा को दी, किसी उम्मत को नहीं दिया। अगर अगले वाले हजार महीने इबादत करें, हजार बेटे अल्लाह की राह में शहीद कर दें, उतनी अफजलियत नहीं है जो ईमान वाले उम्मत मुस्तफ़ा के लिए जो रमजान अल मुबारक में सिर्फ एक रात लैलतुल क़द्र की रात में
جاگ کر جو عبادت کرتا ہے اس کے برابر ہزار بیٹے شہید ہو جائے برابر نہیں ہے، ہزار سال عبادت کرے برابر نہیں ہے، مگر امت مصطفیٰ ایک رات جاگ لے عبادت کرے، اس کو کہتے ہیں قدر والی رات۔ اور قدر والی رات میں جو جاگتے ہیں وہ قدر والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں دولت ہے تو قدر ہے، عزت ہے تو قدر ہے، پولیٹیکل کی کرسیاں ہیں تو قدر ہے، خدر کے سفید سفید کپڑے پہن کر چار پانچوں دسوں کو پیچھے لے کر گھومیں گے تو یہ قدر ہے، یہ عزت ہے؟ نا، یہ تو سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مٹی میں ملنے والی ہے۔ ارے دیکھتے ہیں سال دو سال میں پھر جب حکومتیں بدلتی ہیں تو سارے بدل جاتے ہیں۔ اب یہ قدر و عزت کہاں گئی؟ اس جگہ پر دوسرا آ جاتا۔ مگر وہ قدر جو عبادتوں سے ملتی ہے، خوف رجا سے ملتی ہے، اللہ اس کے رسول کی عطا سے ملتی ہے، ایمان سے ملتی ہے، وہ قدر ساری دنیا مل کر ختم کرنے کی کوشش کرے تو ختم نہیں ہوگی۔ یہاں بھی قدر وال، وہاں بھی قدردان، نہ وہاں کم نہ یہاں کم۔ کیا حال ہو گیا ہے آج؟ چلیے یہ رہا تاخرات لیلۃ القدر۔ اب میں ان احکاموں پہ نہیں جاتا کیونکہ میں ذرا کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ہو بھائی، صاحب ہی بولتے ہیں مجھے، مولویا سے سننے رہتے، مفتیا سے سنتے، ذرا صاحبہ سے بھی سننا رہے نہیں سنتے، کیونکہ اکثر لوگ آ کے سامنے صاحب بولے تو چڑ جاتے، چہرے کے تہوار بدل جاتے۔ کیا کرتے گی صاحبہ، کس کے باپ دادا کی جاگیر تو نہیں سمجھتے نا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے۔ ہاں کئی کئی بعض صاحبہ کا نام لے کر نقلی صاحبہ زیادہ ہو گئے، جیسا وہ ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ساری باتیں صاحبوں پہ تھوپ دیتے۔ دیکھو صاحبہ، پرکھو، کیونکہ آج پرکھنے کے ایام ہیں۔ محبت تب تھی، عقیدہ تب تھا جب گھی بیچنے والا گھی لاتا تو بغیر پوچھے لے لیتے تھے، مگر آج کا دور وہ نہیں حضرت۔ اگر کوئی گھی لینا ہے تو دال کو رگڑ رگڑ تو سنتے، کئی کو گھی میں جب سے ڈالا مل گیا صحیح پہچان مر گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کئی کو سنتے حضرت تب بھی وہ گھی، اب بھی یہ گھی، نام تو بدلا نہیں، بولے نہیں حضرت ڈالا مل گیا۔ ایسا صاحبہ میں بھی کئی ڈالا والے مل جاتے وہاں، اس کو پرکھنا پڑتا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہزار نہیں، لاکھ، لاکھوں مولویوں کو ایک صاحب بناتا، لاکھاں مولویا مل کو ایک صاحب بولے بناتے، یہ بات یاد رکھ۔ خیر، میں ذرا گفتگو آپ سے ذریعہ باتیں خاص کرنا چاہتا ہوں۔ چلو نماز کی، روزے کی، درجات کے، عظمتوں کے بیانات سنیں۔ ذرا آج میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑے تصوف کی باتیں سنا، ذرا تصوف لے کر آئے۔ آج کل تو اس کو لوگ ختم کر دے رہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے بھائی تصوف۔ جن کو معلوم ہی نہیں، جن کو جانکاری ہے اچ نہیں، اب وہ کہاں ہیں بولے تو کیا بولوں؟ تصوف دو قسم کا ہوتا، ایک کامل کے پاس، ایک جاہل کے پاس۔ جاہلوں کے پاس دو تصوف ہوتا، یہ جہنم کا راستہ۔ عاملوں کے پاس دو تصوف ہوتا، وہ جنت کا راستہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہم لوگ سمجھ جاتے
نمازاں، حج، روزے، زکاتاں وغیرہ جتنے بھی ہیں نا، یہ عمل کر لیں تو بس ہمیں جنت مل جاتی، مگر گارنٹی نہیں، خدا قبول کرے، اللہ معاف کرے خطا، حساب و کتاب کے بعد پھر فیصلہ ہوگا جنت کا دوزخ، یہ الگ بات ہے۔ تصوف اصل اسی کی شرح شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، یہ گھر ہے، محل ہے، اگر وہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح علم دو طرح کا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، دو طرح کا علم۔ اب جو باتیں کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں وہ کتنے طرح کا علم پڑھے ہیں، ایک طرح کا یا دو طرح کا؟ ایک طرح کا جو علم ہوتا ہے استاد کے پاس سیکھتے ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث سے پڑھتے ہیں، یا دنیا کا علم ہے، اسکول کا علم ہے، کالج کا علم ہے، مدرسوں کا علم ہے، یہ علم اس کو بھی علم کہا جاتا ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ مگر یہ علم وہ ہے جس کو کتابوں سے پڑھایا نہیں جاتا، مدرسوں میں سکھایا نہیں جاتا، وہ بھی علم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ مت پوچھنا صاحب ایسا کیسا کتابوں سے پڑھا نہیں جاتا، مدرسوں میں پڑھایا نہیں جاتا، کتابوں میں نہیں ہوتا، خود رب فرماتا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتابوں میں نہیں ملتا۔ جب کتابوں میں ملتا ہی نہیں تو اب یہ بولنا بیکار ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے ہے تو نا، ملے گا، مدرسوں میں پڑھایا نہیں جاتا، ارے یہ علم کبھی پڑھے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ علم نہیں ہے۔ ارے ہم کو نظر نہیں آتا تو معنی یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، تیری نظر کمزور ہے، وہاں تک نہیں جا سکتی تو تیری خطا ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے نا، اپنی نظر کی خطا ہے، ہماری نظر کہاں تک جائے گی؟ اور آج کل کے ہمارے حالات بھی ایسے ہو گئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے جمعہ سے جمعہ اگرچہ عمل بھی کر لیے نا، بڑے سے بڑے لوگوں کے مقابلے میں، بزرگوں کے، صلحاء کے، اولیاء کے، انبیاء کے مقابلے میں ٹکر لیتے ہیں، یہ ہماری نادانی ہے۔ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، چنا ہم نے بندوں میں اس بندے کو، اب ہم سب بندے ہیں نا، الحمدللہ بندے ہی ہیں نا، کوئی شک ہے آپ لوگوں کو؟ بندے ہی ہیں نا ہم سب، مگر ہم سب بندوں کو اللہ نہیں چنتا۔ چناؤ کا معنی کیا ہے؟ جسے پسند کرتا ہے اس کو چنتا ہے، جسے وہ پسند کر لے اس کو چنتا ہے، چاہے سو میں چنے، ہزار میں چنے، یہ اس کی مرضی ہے، چنتا ہے اس کے وجود کو، اس بندے کو، اس کی قابلیت کو، اس کی عبادت کو، بندوں میں، عبادت گزاروں میں، جو بندے عبادت گزار ہوتے ہیں ان عبادت گزار بندوں میں چنتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جماعت کے ساتھ عبادت کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ تسبیحات کرو، جماعت کے ساتھ سب مل کر دعائیں کرو۔ کیوں؟ سب کی دعائیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوگی، مگر ان سب میں کوئی ایک ہوگا جسے خدا پسند کرے گا، اس کی عبادت کو پسند کرے گا تو سب کی عبادت اس کے صدقے میں قبول ہوگی، اس کی دعا کو پسند کرے گا تو اس کے صدقے میں سب کی دعائیں پسند ہوگی۔
जमा होकर दुआएं करो, मुनफरिद नहीं, अलग 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 तनहा तनहा इख्तलाफ। ये जमात क्यों रखी है, सफ़े क्यों रखे हैं, जुमा दिन नाम क्यों रखा है, समझ में आ रही बात। उन इबादत गुजारों में से कोई है उसको चुना, अब वो चुना उसने चुना, जिसे चुना वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, कोई किताबें नहीं पढ़ा, किसी उस्ताद के पास दर्श नहीं लिया, मगर रब ने उसको चुना, रब ने उसको चुना, ना मदरसे में पढ़ा, ना कोई किताबें पढ़ा, ना किसी के पास दर्श लिया, मगर रब ने उसको चुना। ऐसे बन जाओ ना, नसीब जाग जाएगी, खुदा करे हमारा भी नाम उन चुनाव में से आ जाए, ये उम्मीद रखो। उसी एक चुनाव से सबका बेड़ा पार हो जाएगा। चुना, जिसे चुना। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने उस पर अपनी रहमतों को डाल, दायरे रहमत में लिया, जिसे चुना उसको दायरे रहमत में ले लिया, समेट लिया। अब रब के पास दो तरह की रहमत है भाई, एक आम है एक खास है। आम रहमत सबके लिए है और जो खास होती है ये खास बंदों के लिए होती है, क्योंकि ये लफ्ज भी कुरान कहता है, मिन इंदिना, जो मेरी खास रहमत मेरे पास है, ये उस खास बंदे को उस रहमत से नवाजा। जब रहमत से नवाजा गया, उसे वो इल्म आ गया, मिल्ल दुन्ना इल्मा, जो इल्म लदूनी कहते हैं, ये इल्म लदूनी ना मदरसों में मिलता है, ना किताबों में मिलता है, ना किसी उस्ताद से मिलता है, वो इल्म लदूनी है। और उस इल्म लदूनी में है क्या, अव्वल ता आखिर, जाहिर और बातिन सब कुछ उसी के दायरे में, दूर की खबर रखता है नजदीक की रखता है। अरे ये तो खुदा की रहमत का इल्म है। मक्के में हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले एक जादूगर था जिसका नाम अब्रशन, वो काहन भी था एराफ भी था। काहन और एराफ का माना यह है कि 40 साल पहले क्या गुजरा पल पल की खबर याद रखे, एराफ 40 साल के बाद क्या होने वाला है हर पल पल की खबर रखने वाला। एक काफिर, एक जादूगर, इसके पास इतना इल्म है आगे का, पल पल की खबर, हर एक का नाम, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, कौन सा बच्चा पैदा होने वाला है उसका नाम भी दे दिया, उसका मकाम भी दे दिया, और उसकी जिंदगी दे दी, वो कितने साल रहेगा बता दिया, वो क्या करेगा बता दिया। ये किसी और को नहीं बताया, ये हमारे तुम्हारे नबी को बताया। किसी और की बात होती तो और होती, हमारे नबी को फलाने कबीले में फलाने खानदान में ये एक लड़का पैदा होने वाला है, उसका नाम मोहम्मद है, सबसे पहले उसी ने बताया। कैसे पता, जबकि अभी हमारे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए ही नहीं। ये काफर है, ईमान वालों पे, मुसलमानों पे, नबियों पे, अल्लाह वालों पे, वलियों पे, सिद्दीकों पे, सालिहों पे ये शक करने वाले लोगों सुनो, ये काफर का इतना बड़ा इल्म, हमारे नबी का नाम बताया, उसका नाम मोहम्मद है, वो कबीले खुरैश है, खानदान बनी हाशिम से होगा, ऐ अबू लहब तेरे खानदान में आएगा, मगर क्या करेगा, एक नया दीन लाएगा, नया दीन लाएगा, सारे खुदाओं को इनकार कर देगा, नीस्त और नाबूद कर देगा हमारे मजहब को,
एक ऐसा नया दिन लाएगा, उसका खुदा दिखने वाला नहीं होगा, बिन देखे खुदा की कोशिश करवाएगा। वो 57 जंगें लड़ेगा, 63 साल की जिंदगी पाएगा। ये कौन बता रहा है? पूछो उन लोगों से जो पढ़े हैं। अब्रशन वाला नाम काहन व एराफ, उसको डोली में बिठा कर ले को जाने वाले, खिदमत करने वाले, पैर चूमने वाले, ये किसके बारे में बता रहा है? हमारे नबी के बारे में बता रहा है। जबकि हमारे नबी अभी दुनिया में मबूस हुए नहीं है, बता रहा है। तो एक काफर को इतनी खबर है वो नबी आकर कितने दिन रहेंगे, और ये भी बता रहा है कि वो हिजरत करके जाएंगे, एक ऐसा मुल्क बसाएंगे, सारा मुल्क जो अंधेरा छाया था नूर में बसेगा। इसलिए कहते हैं ना, पहले यसरब था बीमारियों का घर, आज वो मदीनतुल मुनव्वरा। नबी का कदम पड़ा बीमारियों का घर दारू शिफा बन गया, तारिकी नूर में बदल गई। बात समझ में आ रही ना? अब वो अपने उस्तादों से, अपनी किताबों से और अपने हलकों में जो बैठकर जिंदगी भर जो सीखा है उसका ये इल्म बता रहा है, अरे खुदा खुद अपनी रहमत से अपने बंदे को चुनकर उसको अता कर रहा है, वो बंदा क्या नहीं बताएगा? इस पर शक नहीं कर रहे हैं, खुदा के बंदे पर शक करें? ये ईमान है हमारा। समझ में आ रही बात आपको? अब वो बंदा जिसे खुदा ने इल्म दिया, इसीलिए तो कहते भाई साहब, साहब कल तक पढ़े नहीं थे, अनपढ़ थे, कहाँ से आया? बोले तो साहब का एक मुतखिद बोला, अरे क्या मालूम तुझे साहब है, जब सीना बसीना इल्म होता रहे। सीना बसीना ये कहाँ से आता है? सीना बसीना सुनो, यहीं से आएगा, इसी को कहते हैं सीना बसीना। हज़रत मूसा अलैहि नबी ने सलातो तस्लीम 70 ऊंट किताबों का इल्म रखने वाले, उन जैसा आलिम नबियों में नहीं। तौरात के हाफिज, खुदा से कलाम करने वाले, कलाम करने वाले, डायरेक्ट बात कलीमुल्लाह हैं कि नहीं है? ख्याल आया मेरा उतना इल्म कौन तो पढ़ा, क्या बोले ए अल्लाह तेरे नबियों में मेरा होता इल्म कौन तो है क्या पढ़ा मैंने, ये बात का ख्याल आया, इजहार कर दिया। मासूम थे, लाड़ी ले थे। अब अल्लाह ने फरमाया, कुरान पढ़ते रोना बड़ा डुल्लुल को पढ़ते, तजवीद के साथ, तरतीब के साथ, नरों के साथ, रात के साथ, बड़ा झूठ झूठ को पढ़ते, मगर उनके माने मतलबों पे नज़र नहीं करते। जो पसंद आ गया लेते, पसंद नहीं आया तो उनके लिए नहीं, अब कुरान ही सुनते। अब अल्लाह बोला, ऐ मूसा तेरा जो इल्म है ना वो तेरे पास, इल्म तो समंदर है। इल्म क्या है? समंदर है, ना कभी घटता है ना कम होता है। मिसाल ऐसी बताइए, चिराग ले लो, उस चिराग से हजारों लाखों के चिराग जलाते जाओ मगर इस चिराग की रोशनी में कमी नहीं आएगी। इल्म इसी तरह है, जितना बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ खर्च होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मगर इसके इल्म में कमी नहीं आएगी, ना घटेगा ना जलेगा ना कम होगा। समझा? इल्म को इसीलिए समझ कहा है रब ने, अल-इल्म बहरैन, समंदर है इल्म। चूड़ी समंदर से जितना पानी उठाती है ना, उसके पानी उठाने में जो चोंच से कतरे गिरते हैं ना, उसका एक कतरा ऐ मूसा शायद तेरा इल्म हो।
अब इन कितना होगा। अब दो किताबें पढ़ के आने वाले हम ना सभी मालूम बोले तो भरोसा करना, आप लोग हम भरोसा करते गए कि मैं नहीं करता, खड़काले में पड़े होंगे, सूखी रोटियां दाल खा के ज़कात फितरा खा के आके झूम झूम के बताते ये बात ना वो बात ना, भरोसा मत करो। इल्म और है, अब क्या करूँ। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा एक काम करो, अब यहाँ से मैं एक एक निशानी आपको बताऊंगा, ईमान की बातें याद रखो। मेरा एक बंदा है, क्या है, जिसको तूने नहीं देखा, तू और भी सीखना, अब तक तो किताबों से पढ़ा, अब तक किताबों से मेरी अता की हुई दी हुई किताबों से पढ़ा, अब ज़रा मेरे बंदे की सोहबत में जाकर बैठकर उसकी निगाहों से पढ़ना। वो किताबों से नहीं पढ़ाएगा, किताबों से नहीं पढ़ाएगा, सोहबत में रख के पढ़ाएगा पढ़ना। अब अल्लाह का फरमान नबी मालिक, अब वो बंदा है काम, एड्रेस पता कोई दूसरे बंदे को नहीं बताया, अल्लाह चाहता तो किसी और को भेज देता पता देकर, अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, ए फरिश्ते जा मेरे उस बंदे का पता हजरत मूसा को दे दे, या मूसा को लेकर उस बंदे के पास छोड़ दे, हो सकता ना, कुदरत वाला कर सकता, हो सकता नहीं, हो सकता। आप लोग सुन रहे वही नहीं मारे, तवज्जो है मेरी तरफ, अगर से तवज्जो नहीं तो बोलो बंद कर दूंगा, तवज्जो है। अरे भाई बातें बार बार नहीं मिलते यार, नमाज़ रोज़े के सुने के नहीं सुने, ज़कात फितरे सुने के नहीं सुने, ज़रा तसव्वुर भी सुनो कि मैं कुरान हदीस से अलग नहीं बता रहा हूँ, ये कुरान की बात बता रहा हूँ, ईमान की बात बता रहा हूँ, अल्लाह का पैगाम दे रहा हूँ। अगर गलत बताऊँ तो मैं कोई गुमनाम नहीं हूँ, मैं नाम वाला हूँ, मेरा पता है, एड्रेस है, सब कुछ है, हाँ भी है वहाँ भी है, ये मसल सिर्फ दुनिया में छे आखिरत में भी है पता मेरा, जहाँ चाहे वहाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ दामन नहीं मिला तो वहाँ दामन पकड़ो, शायद तुम्हें गलत बोले थे फलाने वक्त फलानी मस्जिद में, मैं सबके लिए तैयार, समझ रहे ना, सुन रहे हम लोग ना, शौक से, शौक से सुनेंगे तो बताने में मज़ा आता, मैं तो बगैर नमक की खिचड़ी बन जाती है कि नहीं, खुदा भेज सकता कि नहीं भेज सकता। तो अल्लाह ने क्या किया, मछली को दिया, किसको दिया, मछली को दिया, मछली कितनी पसंद होगी नबियों को, शायद अल्लाह के महबूबों को नबियों को मछली का सालन बड़ा पसंद, साहिबा को भी पसंद, कहीं को बोल रहा हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो खवान उतारा उसमें भी मछली का सालना, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के तोशे में भी मछली का सालना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो बताया वो भी मछली, बस समझ में आ रही ना। और एक ईमान की बात है, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में दस्तरखान लगा, नबी के सहाबा को दावत हुई, उसमें भी दस्तरखान उतरा मछली का सालना, भुनी हुई मछली कितनी पसंद होगी ना, है कि नहीं। मगर मछली क्यों, परिंदे भी हो सकते, मुर्गी भी हो सकती, बकरा भी हो सकता, वो तो थे, मगर जब बारगाह खुदाबंदी से जब अपने महबूबों की तरफ भेजता है कंपलसरी मछली होना। आप जानते बताओ हकीकत उसकी, परिंदे परिंदे हैं, चरिंदे चरिंदे, मगर मछली की बड़ी खासियत है, क्या खासियत है मालूम आपको, मच्छी कभी बीमार होती ही नहीं,
मच्छी कभी बीमार होती ना। अगर तालाब गंदा हो गया तो मेरे नबी फरमाते हैं चार मछलियों को डाल दो, गंदे पानी को साफ कर देती। जिस तालाब में मछली होती वो पानी गंदा नहीं होता। ये खासियत है जो परिंदों में नहीं, चरिंदों में नहीं। और दूसरी खासियत मालूम आपको नहीं मालूम? मछली की खासियत ये है कि मछली के पेट में नबी 40 दिन थे, परिंदों के पेट में नहीं थे, चरिंदों के पेट में 40 दिन थे। मच्छी पूरा घूमती थी और अल्लाह का हुक्म था ऐ समंदर की मछलियों, मेरा नबी जिस मछली में है वो घूम रही है, तुम जाकर उस मछली को सूंघो। हर मच्छी उस मच्छी को सूंघती। अब वो पैगंबर 40 दिन के बाद निकल गए, फिर वो मछली ख़त्म होगी तो क्या करना? बोले तो अल्लाह सिलसिला छोड़ा नहीं, जो मच्छी सूंघी है दूसरी मच्छी उसे सूंघो। ये कब तक सिलसिला? कयामत तक। जब तक सूंघते रहेंगे मछलियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इसी बाबरकत की वजह से मछली, समझे आप, यही तो तसव्वुफ है, इसी को तो तसव्वुफ कहते हैं। गलत है ये। अब मूसा को भी दिया मच्छी, जब मच्छी दिया तो हजरत मूसा क्या करे मालूम? काट डाले, काट को साला बना ले। आई तो मच्छी जिंदा थी, काट को साला बना डाले, रोटियां भर ले। यीशु साथी को ले लिया, उनका एक साथी था, गए तलाश में। कुरान फरमाता है दो समंदर जहां मिलते हैं मजमा अल बहर, उस मकाम पे जा। अब वो उस मकाम को ढूंढते 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 गए, जब करीब गए सुना मुर्दा मछली, पकी हुई मछली की रहबरी, क्या कहते हैं? रहबरी, रहनुमाई। किसको कर रही है ये? नबी को। उस मकाम पर गए, थकान, थक गए, लेट गए। अब ये साथी पाप बैठा था बेचारा, इतने में समंदर की मौज आई, पानी के छींटे पड़ी, तोशे में जो पकी हुई मच्छी थी जिंदा होकर समंदर में चले गई। हो सकता ऐसा? कुदरत है अल्लाह। अरे अल्लाह नहीं बोले आप भाई, हे मच्छी जिंदा होकर समंदर में जा बोल, जिंदा मच्छी को काट को पाक है। पानी पड़ा तोशे में, मच्छी समंदर में, अब ये जान किसने दी? हमारा तुम्हारा ईमान खुदा ने दी। जान देने का काम तो खुदा का ही है ना, है कि नहीं? मगर बहाना क्या था? पानी के छींटे। सुभानअल्लाह, क्या था बहाना? अरे यही तो सारी जिंदगी कहते हुए आ रहे, हकीकत तो सब कुछ देने वाला अल्लाह है, मगर देने वाला नजर नहीं आता, किसी और के जरिए काम बनाता। और अक्सर दरिंदर लोग समझते हैं इनके पास जाते हैं उनके पास जाते वो क्या देंगे, अरे देता तो वही है सब कुछ, करता तो वही है सब कुछ। आप लोगों को मालूम भी नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी रसूल है, मालूम आपको? हमारा ईमान है भाई, ईमान है ना हजरत ईसा पे, नबी भी हैं और रसूल भी। क्या करते थे वो लोग मालूम तुम ना? सूरह मायदा पढ़ के देखो, सूरह अनवर पढ़ के देखो, कुरान। मिट्टी लेकर परिंदे बनाते, मिट्टी से गुड़िया बनाते परिंदों की तरह। अब मिट्टी का जो साँचे परिंदे के नाद बनाते, जब परिंदे के नाद मिट्टी के बने तो उसके हंकियाँ बना सकते हैं, चोंच बना ली समझो, जीभ बना सकते हैं, जीभ बना ली समझो दाँता बना सकते हैं, उसका फेफड़ा, उसका कलेजा, उसकी अंतड़ियाँ बना सकते हैं मिट्टी का। बना को क्या करते हैं? जहाँ कानों का निशान होता है उसे खाली फू कर दे, क्या करते? फूकते। कब फूकते? कि
जो शक्ल में परिंदा होता उसमें जान आती, पर आते, हंके आते, जीप आती, जबान आती, फेफड़े आनते, सब कुछ आता, वो पर्रा मार कर उड़ को जाता। कौन करते थे काम आए? तो क्या ईसा को हम खुदा मानते हैं? जान देने वाला खुदा है, पैदा करने वाला खुदा है, अब यहाँ कौन किए? अरे जब ईसा अली सलातु सलाम मुर्दे को हाथ लगे तो उठ को बैठता, तो क्या हम खुदा बोलते? मगर लोग हमको इल्ज़ाम क्यों देते भाई, दरगाह पे गए तो ऐसा करते, वैसा करते, ऐसा करते। ये सब कुछ कुरान कह रहा है, उसके बराबर भी हम नबी को नबी ही मानते हैं, खुदा नहीं मानते, तो क्या वली को खुदा मानेंगे? ये इल्ज़ाम ने तौर क्या है? बात समझ में आ रही है आपको? फूके कौन? फूके कौन? कुछ पढ़ को दम को उनको फूकना नबी की सुन्नत बाबा साहेबा, उसको फूकते झाड़ू फूका ये नामा रख लेगा। हदीस ये बोलती, ये लोग इल्ज़ाम एक लगाते, सही हदीस भी नहीं पढ़ते लोग। झाड़ू फूके के बारे में यहूद के बारे में जिक्र आया, रहबानियों के बारे में जिक्र आया, यहूद व ईसाई, अब जैसा ऑपरेशन बोला नहीं भाई, इनके बारे में जिक्र आया, ये लोग मुसलमान को इस्तेमाल करते लाते। मेरे ख्याल से सही मालूम इतने पढ़ना नहीं आता। फूक मारना किसका काम? सुन्नत भी नहीं। अभी ऐसे कई अंबिया है अच्छे अच्छे काम करे, बोले तो ये सब के सब जल को भाग जाते, पढ़ते नहीं किताब, खाली एक दो हदीसा पढ़ लेते, दो आयता पढ़ लेते, हो गया ख़त्म, इतना हाँ समझते। अब आओ, मछली जिंदा होगी ये देख रहा, मूसा सो रही, फिर उठे, वक्त असर था, उठको फिर जाने लगे तो बीच में लगी भूख, साथी से बोले तोशा खोल खाएंगे, भूख इतनी है जोर से थक गई। अब क्या खोलता है वो? हजरत तोशे में रोटी है मछली नहीं, बोले अरे कहाँ गिरी मछली? बोले तो जहाँ आराम करे नहीं वहाँ उड़को समंदर में गिर गई। अरे वो से हमें जाना सो जगह, चल रहे वापस पे। बस समझ में आ गई, जब वापस आ गए, अब रहबरी नबी की करे कौन? तो इसे हमको एक सबक क्या मिलता है? रहबरी करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए इंसान की रहबरी इंसान करता है। जिस मकाम पे जो होता है वो मकाम वाला ही रहबरी कर सकता है। अब समंदर में अल्लाह का बंदा है, समंदर में जाने का रास्ता इंसान नहीं जाता, इसीलिए मछली रहबरी कर रही है, सिर्फ रास्ता बताई। अब वो रास्ता बताने वाली मछली खुदा तो नहीं बनी ना, जैसा लोग मछली को भी खुदा बना दिए, हम उनकी बात नहीं करते। अब हजरत मूसा अलैहि सलातु सलाम गए मजमल बहरैन, पानी में गए, अंदर एक बुजुर्ग हस्ती बैठे थे, वो नबी नहीं थे। तीन तबके हैं, बास कलील तबका नबी बताया, मगर खौल सही नहीं है, बड़े तबके जो दो हैं ये उनको नबी नहीं बताए, वली बताए। वो कौन थे? वली। जाने वाले कौन थे? नबी। नबी बड़ा होता है, वली छोटा होता है। मज़मून में आ रही, तो अल्लाह की शान पे कुर्बान जाएं कि लोगों जिसके पास उसकी अता होती है, उसके पास जो अता होती है, उस अता में जो ख़ास होती है, उस ख़ास के पास तुम चाहे जितने भी बड़ा इल्म रखते हो, जितने भी बड़े हो, तो अपनी जगह, मगर वो इल्म तुम्हारे पास नहीं है, अगर लेना चाहो वो छोटा भी है तब भी चले आओ। ये फ़ख्र, ये कब उससे मैं बड़ा, मेरा इल्म बड़ा, मेरा इबादत बड़ी, मेरा ऐसा, ये मत समझना। अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझते तो मूसा जैसा इल्म किसी नबी को नहीं था। जाते, हालांकि ये बोली है, छोटे हैं, कमज़ोर हैं, अदना हैं, नबियों के ग़ुलाम हैं वली। गए, देखे, मूसा की नज़र पड़ी, बैठे हैं बुजुर्ग। जब इनकी नज़र मूसा पे पड़ी तो पहले सलाम जाने वाले हजरत मूसा ने किया, सलाम अलैकुम, सुन्नत है ना, ये फ़र्ज़ है।
नहीं मालूम आपको, सुनत है ना, हज़रत मूसा ने अदा की। अस्सलामु अलैकुम। अब फ़र्ज़ भी क्या अदा कर रहे हैं बैठने वाले। इससे सबक क्या है, हर जाने वाला बैठने वाले को सलाम करना, ये कायदा है इस्लाम का। अब मैं बैठा हूँ, आप खड़े हैं, मैं बैठ कर आपको सलाम नहीं कर सकता। खड़े होने वाला बैठने वाले को सलाम करना, जहाँ चार आदमी हैं एक आदमी सलाम करना, एक आदमी को चार आदमी सलाम नहीं करना, छोटे को बड़ा सलाम करना, ये कायदे हैं। मूसा ने कायदा, बैठे थे अस्सलाम वालेकुम, मगर इनका जवाब कैसा है, वालेकुम सलाम या मूसा, सलाम का जवाब भी दिए भी बताए। हज़रत मूसा परेशान, अरे ये तो समंदरों के बीच में है, अब तक जानते ही नहीं, मैं मूसा हूँ इनको कैसे मालूम। पूछने लगे कि मैं मूसा हूँ, ये आप जानते हैं, एक ही जवाब सुनिए, हाँ या मूसा, जो उसे जानता है वो सबको जानता है, जो उसे जानता है सबको जानता है। तो क्या मूसा उसे नहीं जानते, जानते कि नहीं जानते। तो इसीलिए कहते हैं उलमा में भी दो तरह के हैं, एक उलमा ये अजहर, एक उलमा ये बातिन, बातिन इल्म रखने वाले, हाल का इल्म रखने वाले, जाहिर का इल्म रखने वाले। तो हज़रत मूसा अजहर ज़ाहिरी और ये बातिन का इल्म, ये हाल का इल्म रखने वाले, और ये काल, काल और हाल में फ़र्क क्या है, रब ने भेजा आपके पास कुछ सीखने के लिए। अच्छा इतने बड़े नबी आए हैं, मूसा आए हैं, अच्छा भाई मैं सिखाऊंगा ये नहीं कहे, तो क्या कहे मालूम आपको, अरे मूसा आप तो जलाल वाले हैं, मेरे पास सीखना है तो आप ठहर नहीं सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे अच्छा है जिस रास्ते से आए हो निकल जाओ। ये बात नबी से कह रहे हैं। अब नबी फरमाने रब ने भेजा है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं सब्र कर लूँगा, मैं सीखूँगा। अब मैं तफसील पे नहीं जाता, सिर्फ इशारे बता दूँगा, क्योंकि मुझे दो बातें और बतानी हैं। तो जब कौन इकरार हुआ मैं बर्दाश्त कर लूँगा, सीखूँगा, सब्र करूँगा, तब हजरत उठे चलो मेरे साथ। अब साथ में लेकर गए, अब जैसा कुरान फरमाता है कश्ती में सवार हुए, अच्छी कश्ती को तोड़ दिया, फिर आगे गए, एक बस्ती आई, कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में एक बच्चा आया, फिर हजरत ने तलवार निकाली बच्चे को मार दिया। फिर आगे गए, भूख लग रही थी, शाम हो गई थी, सारी बस्ती में खाना पानी किसी ने नहीं दिया, ये भी जिक्र कर रहा कुरान, खाना भी दिया नहीं पानी भी दिया नहीं। फिर जब गांव के बाहर आने लगे तो करीब करीब वो उस गांव की कंपाउंड वाल जो दीवार थी वो गिरने वाली थी, तो हज़रत मूसा से कह रहे हैं जल्दी जल्दी मिट्टी कीचड़ मिलाओ। मूसा को आया गुस्सा, ये क्या काम कराते जी इन्होंने, गांव वाले ना खाना पूछा ना पानी पूछे, फोगट में मजदूरी करा रहे, कीचड़ मिला है, गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। अब मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सब शरा के ख़िलाफ़, उनके कानून के ख़िलाफ़, कानून के खिलाफ, ये शरीयत में नहीं है। चाहे मूसा की शरीयत हो चाहे हमारे नबी की शरीयत हो, किसी ने बिठाया मेहमान नवाजी की सवारी में बिठाई वो एहसान है, ये शरीयत कहती है। मगर उन्होंने क्या किया, उस एहसान के बदले में क्या किया, सुरमाया देने की बजाय अच्छी बिच्छी कश्ती को तोड़ दिया, ये खीनात है, ये खियानत ने तौर क्या है। शरीयत इसको मानती नहीं है, मानती है शरीयत आपकी, मिसाल बोलते हैं खाना डाले सवाले के बर्तन में छेद डालता क्या रहे, बोलते आदि अच्छी बड़े मैं मिसाल देते नहीं, खैसो बर्तन में छेद डालना आदि अच्छी, मिठैसो कश्ती में छेद डाले हजरत, शरीयत मानती इसे, मूसा की शरीयत भी नहीं मानती, हमारे नबी की शरीयत भी, मगर ये हकीकत है, ये इल्म किताबों में कहाँ से लाओगे, शरीयत का फतवा पूछोगे तो कहेंगे हराम, मगर इल्म लदुनी का फतवा पूछोगे तो जायज़ हलाल।
جی کتابوں میں نہیں ملے گا حضرت. اب بردہ سے باہر ہو گیا, اب موسیٰ کو بول دیے اب تم اور بھی علم ہے, یہ صرف تین چیزوں کا علم ہے, تین چیزوں کے علم برداشت نہیں کر سکے, چلے جاؤ حضرت. اچھا میں جاتا ہوں مگر اس کی حقیقت تو بتاؤ. میرے حضرت بولے سن کو جاؤ, سنو. بولے کشتی نروی کوئی جو اس کی تھی نا, وہ غریب تھا اور وہاں کا جو آدمی تھا بڑا موقع بڑا ظالم تھا, اچھے کشتیاں دیکھے تو کھینچ لیتا. ایسے بھی لوگ ہے نا آج ہمارے میں, چھ بار کسی کے پاس کچھ اچھا ہی ہے پہلے چھینو جھپٹو. اب یہ چھین جھپٹی گھروں تک نے مجیدہ تک آ گئی, پھر بھی ہمیں مسلمانہ پکے گارنٹی کے ساتھ اللہ کے گھروں تک آ گئی. غیروں کی حکومت اللہ کے گھروں میں, ہمارے مسلمانوں کے ایمان پر قبضہ غیروں کا, کیا زمانہ آ گیا ہے, کیسے مسلمان ہیں, کہاں گئی ہماری مسلمانیت, ہماری سچائی, ہماری وفاداری, ہماری تقویٰ, ہماری پرہیزگاری, ہمارا ایمان, ہمارا نبی. تو پھر یہ نمازیں کیوں, روزے کیوں, حج کیوں, زکوٰۃ کیوں, یہ عبادتیں کیوں, یہ جاگنا کیوں, سمجھ میں آ رہی بات. اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی عیب ہے تو نہیں لیتا, اس لیے میں نے اسے اس کی زندگی کے لیے عیب کر دیا سوراخ ڈال کے. وہ سوراخ بند کر لے گا, چلا لے گا تھکلا ڈال کے, وہ تھکلے کی نہیں لیتا. ابھی کون سی کتاب پہ ہے یہ, یہ کتاب میں نہیں ہے, یہ ان کے سینے میں ہے. اب بچے کو باسو بچے کو مارے تو وہ بڑا ظالم بنتا, اس کے ماں باپ اچھے تھے اور وہ بڑا بہت بڑا آگے چل کر کافر بننے والا ہے, بہت بڑا ظالم بننے والا ہے, اسے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. مجھے حکم خدا ہوا میں نے مار دیا, سلسلہ ہی ختم کر دیا. ابھی کون سی کتابوں میں ہے یہ, معصوم بچے کو مار دیا, شریعت مانتی اس کو, یہ قرآن بول رہا ہے. سورہ پارہ پڑھ کے دیکھو آپ, سورت کہا پھر دیوار. اب اس میں اہم نقطہ ہے, ان کے باپ داداؤں نے ان کے بچوں کے لیے اس میں کچھ مال رکھا ہے خزانہ, تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کو پہچان کر نکال لیں, ان کے استعمال میں لائیں, یہ ان کا حق ہے. اگر دیوار گر گئی تو گاؤں والے لے لیں گے. وہ کانا ابو ہما صالحہ, ان کے ماں باپ نیک تھے, ان نیکیوں کی وجہ سے اس کو بچانا ہے, یہ ان کے نیک ہونے کی وجہ سے یہ حضرت بچا رہے ہیں. یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہے, بس سمجھ میں آ رہی, یہ قرآن ہے نا, یہ کون اللہ فرما رہا ہے. یہ تین چیزوں کا سبق ہو گیا, دے دیے حضرت موسیٰ چلے. اب یہیں سے تصور شروع ہوتا ہے, کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو سینوں پہ اترتا ہے, کچھ علم کتابوں میں ہوتا ہے, وہ زبور ہو سکتی ہے, تورات ہو سکتی ہے, انجیل ہو سکتی ہے, ہمارا قرآن. مگر اس کے علاوہ یہ ایک علم ہے اللہ والوں کے سینے میں اللہ القا کرتا ہے. اس علم سے جو سینے میں اترتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے جو خاص عطا ہوتی ہے, یہ علم بڑا ہے, اس کو پہچان نہیں پاتے جو اللہ والوں میں ہوتا ہے. اب وہ کون ہے, یہ اللہ اس کا رسول بہتر جاتا ہے. اسی لیے ہر اللہ والے کی عزت کرنا سیکھو, اس کی صحبت اختیار کرنا سیکھو. ارے جنت 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 کے نعرے کیا لگائیں گے حضرت, جنت میں تو انسان الگ چیز ہے, جنت میں تو جانور بھی جائیں گے, نہیں جاتے تو کیا ان جانوروں سے بھی بدتر ہے ہم, جانور بھی جاتے ہیں وہاں جنت میں. نہیں سنے آپ لوگ, ہاں یہی اصحاب کہف ہیں, یہی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کا بیان لایا. کتا غلیظ ہے یا پاک ہے, غلیظ بھی ہے پلید بھی ہے کہ نہیں ہے,
अब वो कुत्ते का बयान लाया, कुरान में कुत्ते का बयान चार जगह। अब वो कुत्ता कितनी बड़ी किस्मत वाला, देखो अगर उस कुत्ते के टखने के बराबर भी हम होते ना, बेड़ा पार होगा। क्यों वो नमाज़ा पढ़िया नहीं, उन्हें हज कराया नहीं, उन्हें रोज़े रखा नहीं, उन्हें सदका कराया नहीं, फितरा दिया नहीं, ज़कात दिया नहीं, मगर क्या करा रहे बोले तो अल्लाह के महबूब अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा था। ये निस्बत है हजरत, क्या बोलते इसको, ये बोलते हैं निस्बत। इसीलिए बोलते हैं निस्बत को थामो, बड़ी चीज़ है भाई निस्बत। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा तो अल्लाह क्या करे मालूम, उसके औसाफ बयान करे पहले। औसाफ किसके बयान होते भाई, औसाफ कुत्ते के, कैसा बैठता था, कैसा उठता था, पहले औसाफ बयान करे, फिर बाद में क्या करे ये अदा को पसंद करे। अब वो अदा जब पसंद आ गई तो कुत्ते की बरोज़े कयामत उस कुत्ते को इंसान बना को जिनकी सोहबत में था उनकी सोहबत में जन्नत में। जब बुज़ुर्गों की सोहबत में रहने वाला कुत्ता जाता, हमें नहीं जाते, फिर हम ना कहीं को फिक्रा। इबादत इबादत करो, नमाज नमाज पढ़ो, ये फ़र्ज़ है, ये बंदगी है, ये ड्यूटी है। रोज़े के महीने में रोज़े रखो, और जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला मुकद्दर करे ज़कात दो, फितरे दो, सदका दो, सब कुछ करो, मगर सोहबत निस्बत छोड़ो रुको। अगर ये फ़ैल हो गया ये काम आ जाएगी, क्योंकि अमल पे गारंटी नहीं है हजरत। अमल पे जब 600 करोड़ साल का इबादत गुजार शैतान का अमल पल में मिट जाता है तो हमारा क्या, 4 साल 5 साल 1 साल की इबादत गारंटी है। इसीलिए ये रखो, ये अमल है, और ये निस्बत ये रखो, ये मोहब्बत है। अगर ये फ़ैल हो गया ये गारंटी है, इसकी गारंटी की सनद नहीं है, खुदा पसंद कर लिया तो गारंटी। वो भी कब मालूम होता मालूम, मरने के बाद, हिसाब किताब के बाद, मगर ये जिंदगी में तय होता। समझे आप, नहीं छोड़ना, जो छोड़ा उससे बड़ा दलिंदर है इसने, बड़ी चीज़ है इसको। अब इस तरह गधा, कौन गधा, अच्छा है बुरा है, खुद कुरान फरमाता है उसकी आवाज़ बुरी है, वो सौतुल हमीर, चीखो मत लोगों, चीखने की आदत गधों की है, सबसे बुरी है। खुद कुरान फरमाता है उसकी आवाज़ बुरी है, मगर वो गधा भी जन्नत में। कई को भाई नबी की सोहबत में, नबी का तोशा नबी को उठा ले को जाता था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, और उसी नबी की सोहबत में वो भी मर गया, 100 साल के बाद उठा, उठते सब खुशखबरी मिली। नबी की सोहबत में चलना भी पसंद करे, मरना भी पसंद करे, अब तुझे भी इंसान बना को निस्बत है ना अजीज, है कि नहीं। इसी तरह हजरत ईसा का भी गधा है, समझ नहीं, बयान सुनता था, मुंडिया हलाता था। अब वो मुंडिया हलाने की अदा पसंद आई, अल्लाह तेरी शान तेरी आली, कौन सी अदा किसकी कब कैसे पसंद आ गई, ये उसकी मंशा है। कौन सी अदा कब किस उसकी पसंद आ जाएगी, खुदा बेहतर जाता है। अब उसकी अदा पसंद आ गई, समझ में आए ना आए, मुंडिया तो हलाता था नहीं, उस मुंडिया हलाना किसको क्यों हलाता था, ये हज़रत मेरे नबी की आवाज़ पे, उस आवाज़ की निस्बत से उसको भी इंसान बनाकर। क्या वो यहाँ में गधे से भी बदतर है, इंसान है, मुसलमान है नहीं है। हमारे नबी की ऊँटनी कसवा, सबसे पहला कदम उसी का जन्नत के अंदर,
जानवर का पहला कदम, इंसानों से पहले। समझ में आ रही बात आपको? इंसानों से पहले, चलिए वलियों से पहले, गौसो कुतुब से पहले, ताबा ताबा ताबई से पहले, ताबई से पहले, सहाबा से पहले, सबसे पहले कदम उसका। क्यों? जन्नत का दरवाजा सबसे पहले बार खुलेगा उसी ऊंटनी पर, हमारा नबी बैठेगा, हाथ में लगाम बिलाल थामेंगे, जन्नत में ऊंटनी के साथ जाएंगे। किसकी निस्बत? समझ रही हैं आप लोग? हाँ, नहीं समझे? अब इतने चीज़ें, खैर ये जानवर निस्बत वाले भी, पहाड़ा क्या करें, पत्थर के पहाड़ा नहीं सुने हदीस हमारे नबी की? जबले अहद के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि साहबियों, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, उसी मोहब्बत की बिना पर कल बरोज़े क़यामत सबसे पहले जबले अहद जन्नत में जाएगा। मोहब्बत की निस्बत, जब पहाड़ जा सकता है, जानवर जा सकते हैं, निस्बत से अगर ऐसी निस्बत हम कर लेंगे तो समझ में आ रही बात मेरी? निस्बत को थामो, अल्लाह वाले बड़े निराले होंगे, अल्लाह वाले बड़े निराले होते। क्यों? वह हमेशा कुर्बे खुदा में होते हैं। जब कुर्बे खुदा में होते हैं, उनका कुर्ब खुदा होता है। अब ऐसे लोगों से निस्बत होगी तो हमारे कुर्ब, हमारा कुर्ब जब उनसे मिलता है, उनका कुर्ब खुदा होता है। कहाँ नहीं खुदा, कहाँ है खुदा? दो बात, कहाँ नहीं खुदा, कहाँ है खुदा? यही तो अंग्रेज कहता है, बास कहता है, गॉड इज नोवेयर। खुदा कहीं भी नहीं, गॉड इज नोवेयर। एक अल्लाह वाला पहुंचा, क्या कहता है? गॉड इज नोवेयर, खुदा कहीं भी नहीं है। ये नास्तिकों की बातें, कहाँ है तो बता, मैं मानूंगा। जो उसने कहा ना गॉड इज नोवेयर, उसी गॉड इज नोवेयर में गॉड इज नाउ, कुछ भी नहीं। यहाँ का हुरूफ वहाँ आ गया, तो पहले जुदा था, गॉड इज नोवेयर था, जब यहाँ का हुरूफ मिटा कर यहाँ ला दिए, गॉड इज नाउ है, खुदा यही है, यही तो निस्बत है। इसी को तो कहते, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सोहबत। यहाँ से वहाँ, से वहाँ वहाँ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहीं भी नहीं मिले, तो जहाँ उसके महबूब होते हैं वहीं तो आ जाओ, यही तो निस्बत है। अल्लाह वाला मिल गया तो अल्लाह भी। अब ये ताक रात है, लैलतुल कदर, ये भी तो निस्बत है, ये भी तो निस्बत है। हाँ, निस्बत है। अब इस ताक रातों में निस्बत देखो, लैलतुल कदर में जो कद्र वाली रात कहते हैं, एक रात महीने भर की इबादत से अफजल है ना, है ना, है कि नहीं? तो किसकी निस्बत से, किसकी निस्बत से? हमारे नबी की निस्बत, हमारे ये खास है, इसीलिए तो कहता हूँ अल्लाह के नज़दीक दो रहमत है, ये आम ये खास। अगर लैलतुल कदर सबको पैदा करने वाला वही,
سارے نبیوں کو اسی نے پیدا کیا، ان نبیوں کی امتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، مگر ان سب پہ رحمت عام کیا، مگر ان سارے نبیوں میں ایک خاص نبی کو پیدا کیا، اس خاص نبی کی اس خاص امت کو بنایا، تو اس خاص نبی کے تصدق اس خاص اس نبی کے امتی کے لیے ایک رات خاص دے کر ہزار مہینوں سے افضل بنا دیا۔ اب اس نبی کی نسبت نہیں تو کیا ہے؟ قرآن تو سب کے لیے آیا نا، قرآن تو سب کے لیے آیا، مگر اس کی ہدایت صرف چند لوگوں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، اور کیسی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صاحب تقوا کے لیے۔ قرآن جو ہے اس کی ہدایت کس کے لیے ہے؟ تقوا کے لیے۔ اب قرآن سے ہدایت پانا ہے تو صاحب تقوا، اب اس کے لیے ایسی ہدایت ہے، ایسی رہنمائی، ایسی رہبری ہے، اس کا ہر لفظ ہر حرف اس میں اعظم ہے، اور وہی قرآن کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کسی کے لیے کہانی ہے، کسی کے لیے داستان ہے، کسی کے لیے واقعات ہے، کسی کے لیے حکایتیں ہیں، کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے شفا ہے، کسی کے لیے رہنمائی ہے، کسی کے لیے ہدایت ہے، اور کسی کے لیے اللہ اس کے رسول سے ملنے کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہی تو یہی وہ باتیں ہیں، شرعاً غیر شرعاً۔ بعض ایسے مسائل جسے شریعت منع کرتی ہے، بعض ایسے مسائل ہیں شریعت ناراض نہیں ہوتی، خاموش، اور بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس دو ہوتے، شریعت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ طریقت بھی ہوتی ہے، طریقت سے علم حال ملتا ہے، شریعت سے علم قال ملتا ہے، شریعت ظاہر کو پاک کرتی ہے، طریقت روحانیت کو پاک کرتی ہے، شریعت مصطفیٰ سے ملاتی ہے، طریقت خدا سے ملاتی ہے، یہ دو اصول ہیں، کیونکہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، خدا بھی ہمارا ہے، خدا کا رسول بھی ہمارا ہے، رات بھی ہماری، دن بھی ہمارا، دھوپ بھی ہماری، چھاؤں بھی ہم، آگ بھی ہماری، پانی بھی ہمارا، ہر چیز کا جوڑا، سب کچھ ہمارا، مگر ہم اس کے، ذرا اس کے بن کر دیکھو، کیسے بننا، اس کے بننا ہے تو پہلے ان کے بن جاؤ، اب جب ان کے بن گئے تو اب ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کے بنے ہیں یا نہیں بنے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ خود پکار کر کہے گا، اے میرے بندو تم بنو یا بنو، آ گئے تو قریب ہو، میں خود تمہارا بن گیا۔ ایسے اعمال پیدا کرو، ایسے اوصاف پیدا کرو، ایسے خیالات پیدا کرو، ایسی ذہنیت پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت کیا کرو، اپنے گھروں میں تربیت کیا کرو، بھائی بند رشتہ داروں میں ایسی تربیتیں دیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں کا گھر گھر فتنہ ہے، بدنامی ہے، تہمتیں ہیں، افترائے ہیں، جھوٹ ہے، فساد ہے، بغض پر، عداوت پر، دھوکے پر، دشمنی پر، اور ہر طرح کی برائیوں پر، فخر پر، تکبر پر، آج مسلمان ہر جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول کی سنو، دین کی طرف آؤ، صلاحیت کی طرف آؤ، یارو مددگار بن جاؤ، بھائی چارگی اختیار کرو، سب سے پہلے اپنا کردار سنبھالو، اپنی سیرت اچھی بناؤ، جب جا کر اپنی اولاد، اپنے گھر والے اسی کی سیرت کے بل بوتے پر، اسی کی سیرت پر وہ بھی نقل کرنے لگیں گے، وہ بھی چلنے لگیں گے۔ ایسا درخت اگاؤ اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا ایسا درخت لگاؤ جس کی چھاؤں تمہارے پرکھوں پرکھوں تک چلتا رہے، اور اسی چھاؤں میں رہ کر دھوپ سے بچنے کی اور فطرت شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرتی رہے۔
मुसलमान बनकर जब आ गए हो कुछ करके जाओ ताकि तुम्हारे पीछे आने वाली नस्लें तुम्हारे नाम के गुल गाती रहें और तुम्हें हमेशा याद करती रहें, तुम्हारे अवसाद के गीत गाती रहें। मिट जाए, मिट गए, कितने आए चले गए, शहंशाह आए चले गए, बादशाह आए चले गए, जालिम आए चले गए, मगर मुसलमानों हम भी आए हैं जाने के लिए, मगर जाते जाते कुछ ऐसे औसाफ छोड़ के जाओ, कुछ ऐसे काम छोड़ के जाओ, अगर तुम्हारी औलाद हजारों दुश्मनों में भी नजर आए तो दुश्मन भी पुकार कर कहेगा हाँ ये फला बिन फला की औलाद है, ये पक्का मुसलमान का बच्चा है, ये हक में रहने वाला है, खुदा उसके रसूल के रास्ते पे चलने वाला है, इसको झुका नहीं सकते, ये मरकर भी इस्लाम को जिंदा करने वाला है। अल्लाह, ऐसे औसाफ करके जाओ। हम क्या कर रहे हैं अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में? बिरयानियाँ, आखनियाँ, मंदियाँ, चिकना, मटना, शरबतें, कौन रखा है रोजा नाम, यहां तक सहरी में खाते, असर से खाने के लिए जमाते, क्या तो बोले तो रोजा रोजा, महीने भर का रोजा रखने वाला कम से कम 4 किलो तक कम होना, लेकिन ये बेचारा 10 किलो बढ़ जाता। किसके बाप की जागीर बा, इसी का नाम रोजा, मैं रोजेदार हूँ, रोजों को। अब खिलाने वाले भी देखो, ये उनका किरदार है भाई, रोजों को खिलाना, रोजेदारों को खिलाना, क्योंकि सवाब मेरे रसूल ने फरमाया ये खजूर का दाना ही सही इख्तियार कराओ। अब ये बाज़ लोग नाम के लिए, शोहरत के लिए भी कराते, पॉलिटिकल लीडरों को भी बुलाते, हवा हमारे गाँव में भी रखे इख्तियार की दावत, मिनिस्टर आते कहते, MP आते कहते, पॉलिटिकल लीडर आते गए थे, मेरे कुछ आज बोले आपको हंसाए, जरा मस्जिद में ऐलान करो सब जने आते हैं इफ्तार की, भाई हमारे इफ्तार में उनका क्या काम? मुसलमान की चालों पे देखो, ढंगा देखो, इफ्तार हमारी है, रोजा हमारा, उसमें उनका क्या काम है? अभी हमारे मुसलमान अभी कैसे मालूम, जरा लीडर हंसा को जरा डाले तो अभी जरा ज्यादा नाच को बताते, पसंद आ गया तो क्या क्या घोदा देता, अगर गुलामी करा लेता सो मालूम नहीं है। अरे गुलाम बनो मुस्तफ़ा के, मुस्तफ़ा वालों के गुलाम बनो, सच्चाई सदाकत वालों के, हकदारों के, गद्दारों के गुलाम बनकर गद्दार, बड़ा नाच को बता दे इफ्तार पे, बड़े बड़े आते। अब वो हलाल का है कि हराम का मालूम नहीं है, जायज़ नाजायज़ मालूम नहीं, दिन भर रोज़ा रखते लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, वो परहेजगार या को हराम के माल से खाते खोलते, किसका रोज़ा भी जायज होता, ये नहीं समझ में आता, बड़े बड़े चिकन तिक्के दिखे तो बस, मन्ने के बड़े बड़े लल्ले दिखे तो बस, हलाल हराम समझ में नहीं आता। अब दिन भर रोज़ा रखने की ज़रूरत क्या, बड़ा भाग भाग को जाते कोसी मस्जिद में, क्या क्या पकता है पहले पूछ लेते, काम बड़े बड़े तिक्के डालते बाग फौरन जाते, अब पकाते रोज़ाना को खाते, ऐसा खजूर के दाने से पानी के घूंट से रोज़ा हो जाता। हजरत मेरे सहाबा कुर्बान जाइए जिनके लिए खाना पेट भर का मुयसर नहीं था, एक सहाबी का कौल ऐसा है, खाना नहीं था खाने के लिए, भूख थी, गरीबी थी, एक खजूर का दाना जब ख़त्म हो गया तो खजूर की गुटली मुंह में रख कर चूसा करते थे, उसका थूक निंगला करते थे। ये बात सुनकर मेरे नबी के आंखों में आंसू आ गए। इस्लाम को फैलाने के लिए सहाबा इस तरह से तरसे, भूख को फाका कशी, वतन को छोड़ा, घर बार छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी, खुद कुर्बान हो गई है इस्लाम को आगे बढ़ाने, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं हजरत, इस्लाम को अभी बर्बाद कर रही, गैरों को लाके मसाजिदों में घुसा रही, घरों में घुसा रही, नाच रही, उछल रही, अच्छे गिच्छे कपड़े, सियासती खदर के कपड़े, ये सब आते भरे तो खबर में, घर खुदा का है, खुदा वाले उसकी हिफाजत करो।
غراں کرتے تھے، ہر جگہ یہ جھگڑے فتنے ہیں، کیسے مسلمان، یہ قیامت کے آثار ہیں. جن مساجدوں میں ایسا فتنہ ہوتا ہے ان مساجدوں میں نماز مت جانا، فتنوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حضرت ہم کو کیا بھائی، امام صاحب پڑھے نماز، اللہ اکبر ہمیں پڑھ لیتے، اچھا برا جو کچھ بھی ہے امام صاحب دیکھ لیتے. ارے دان آدان امام صاحب دیکھ لیتے، بغیر غسل کے خطا ہو، معلوم ہوتا تم نا تو مفتی اعظم بھی بڑے ہوشیار، حضرت ہمیں بھی وضو بنے لے لو. یہ حالت ہے ہماری، ایسا نہ کو کرو. یہودی ہمارے پیچھے پل پل سازش میں مسلمانوں کو خاتمیت میں پڑا ہے، ہندوستان کی دھرتی پر حکومت کا دیکھ رہے ہیں، ہم آرام سے کھاتے پیتے عیش و آرام کی طرف چل رہے ہیں، ہمارے پیچھے کیا سازشیں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں. اچانک جب وقت آ کر گرے گا یہ مت سمجھو، نارد سلک رہا ہے، ایک دن نارد کی ہوا سوت میں بھی آئے گی، یہودیت کا شور یہاں بھی آئے گا، عیسائیت کا زور یہاں بھی آئے گا. یہ مت سمجھو ہم نے بچ جائیں گے، ہم اچھے ہیں، ہماری حکومتیں اچھی ہیں، یہ مت سمجھو. ہر ہمیشہ پل پل کے لیے تیار رہو، کمر باندھ کے رہو. مسلمان بیداری کا نام ہے، جاگنے کا نام ہے، خبردار کرنے کا نام ہے. آرام سے کھاتے پیتے غراٹے لے کر سونے کا نام مسلمان نہیں ہے. کیا بیداری ہے، ہم کیا سبق دے رہے ہیں ہم بچوں کو، کیا سکھا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، کیا طریقہ اپنایا، کیا جمایا، کیا لے کر جائیں گے. یہ شہرت، یہ نام، یہ لالچ، یہ بدحواس، یہ حرص، یہ سب کیا ساتھ آئیں گے؟ آئیں گے ساتھ. آج میں کل تم، سب کو مرنا ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ دولت ہے، یہ لالچ آئے گی خبر میں بچانے، خدا کی بارگاہ میں آڑ آئے گی، یہ نام و شہرت آئے گی. بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر جن کے پیچھے ہاتھ آپ بن بن کو پھرتے ہیں، نہیں ہم لوگ ہاں. نمازاں کو چھوڑو، اذاناں کو چھوڑو، مسجداں کو چھوڑو، سب ان کے حوالے، انہوں جیسا سامنے گیا ہمیں پیچھے ہاتھا بلے کو جاتے. یہ ہے مسلمانیت، یہ لوگ پال رہے ہیں. ہمارا چلنا، ہمارا دبدبا رہنا، یہ ظلم کب تک؟ اور مسلمان بھی ایسے اتنے کمزور کیوں بھائی؟ ایمان ہے ہمارے ساتھ، جس کے ساتھ ایمان ہے خدا اس کا رسول اس کے ساتھ ہے. ایمان کو زندہ کرو. ہم اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم مر کر بھی اسلام کو زندہ کرنا سکھایا ہے ہمارے مصطفیٰ نے. یہ جذبہ پیدا کرو. کربلا کا میدان یاد کرو، یہی رمضان المبارک میں 313 کی جنگ، جنگ بدر کو یاد کرو، جنگ احد کے خندق کو یاد کرو، خیبر کو یاد کرو، کس طرح پھونک و فاقہ کشی سے خندق خود کے صحابہ نے اسلام کو بچایا، دشمنوں کے سے حفاظت کر. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لیا کر انہیں کے ہاتھوں میں اسلام کو دے رہے ہیں، انہیں کے ہاتھوں میں مسجدوں کو دے رہے ہیں، انہیں کے ہاتھوں میں اپنی کردار و عزت کو دے رہے ہیں. لوگوں، یہ ہوا آج مسجدوں تک آ گئی، کل ہمارے گھروں تک آئے گی، ہم محفوظ نہیں رہیں گے. سنبھلو اور سنبھالو دوسروں کو ساتھیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی اس تاکرا کی برکتوں سے، رحمتوں سے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے، سب کے دامنوں کو مالا مال فرما. اے مالک و مولا، جو جان کر انجان بن کر جو بھی خطائیں غلطیاں گناہ کیے ہیں، تیرے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، دور و کافور فرما، ہماری روزیوں میں خیر و برکتیں عطا فرما. اے مالک و مولا، جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ نصیب فرما. اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی غیب عطا فرما دے، حلال روزیاں نصیب فرما، حرام کاریوں سے بچا، بد حواس سے، حرص سے، بغاوت سے، کینے سے، بغض سے بچا. اے مالک و مولا، بد افعالی سے بچا. اے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس تاک رات کے دوسرے ہم کو نواز دے. اے مالک و مولا، تو ہمارے عمل کو نہ دیکھ، ہمیں تیرے فضل و کرم سے نواز. اے مالک و مولا، جہنم کی آگ سے پناہ دے، قبر کی ہستی سے بچا، پل صراط کے سخت راستے سے حفاظت فرما. اے مالک و مولا، تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، اور ایسا عمل ہمارے دلوں میں توفیق ڈال دے تاکہ ہم بھی
राज़ी होकर तेरी इबादत पर हमेशा ज़िंदगी गुजारे। ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। दुश्मनों के शर से, जादू से, धोखे से, सहर से, बलाओं से और हर तरह के दुश्मनों से हमारे जानों की, मालों की, तन की, मन की, धन की, सुर की हिफाजत, हमारे औरतों की, माँ बहनों की हिफाजत फरमा, घरों की हिफाजत फरमा। तोहमत अफतराओं से बचा, बदनाम होने से बचा। ए मालिक व मौला, हर गैर तवज्जुहात से बचा। ए अल्लाह, शिर्क व बिदअत से बचा, तेरे आगे झुकने वाला बना दे। ए मालिक व मौला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।